हेलो भाइयों और उसकी बहनों, आज रिव्यू में बात करेंगे टीवी सीरीज मिथ्या सीजन 1 और 2 की। मिथ्या सीजन 1 जो रिलीज हुई थी 2022 में Zee5 पर और उसका दूसरा पार्ट रिलीज हुआ है 1 नवंबर 2024 को Zee5 पर। मिथ्या सीजन का फर्स्ट पार्ट 3 घंटे का है और दूसरा पार्ट भी 3 घंटे का ही है। एक्टर्स की बात करें तो हुमा कुरैशी, अवंतिका दासानी, रजित कपूर, इंद्रनील सेनगुप्ता, ये आपको दोनों ही सीजन में देखने मिल जाएंगे, जहां परमव्रता चटर्जी, समीर सोनी आपको सीजन 1 में मिलेंगे और नवीन कस्तूरिया, आनंदिता बोस आपको दूसरे सीजन में देखने मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से अगर आप फ्री हो और टाइम पास करना है और आपको सीरियल ड्रामा पसंद है तो ये सीजन देखे, और या तो आपने सीजन 1 देख ली है तो मिथ्या सीजन 2 देख सकते हैं। मिथ्या का रिव्यू एक लाइन में करना चाहूं तो ये एक क्राइम ड्रामा है जो एक्टिंग पर बेस्ड है, जिसको 5 स्टार्स में से 2 स्टार से नवाजा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कहानी की। कहानी के लिए मैं कहना चाहूंगा मिथ्या सीजन 1 काफी बढ़िया तरीके से लिखी हुई थी, जहां हुमा कुरैशी एक राइटर और प्रोफेसर है और अवंतिका एक ट्रस्टी की बेटी और हुमा की स्टूडेंट की भूमिका में दिख जाएगी, जहां आपको अवंतिका का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखेगा और अवंतिका दासानी जो एक रिच और बिगड़ी हुई औलाद है, पर साथ साथ ही वो हुमा कुरैशी और उसके परिवार से क्यों बदला ले रही है, हुमा कुरैशी और अवंतिका कैसे सगी बहने हैं, क्यों अवंतिका हुमा से जलती है और कैसे वो हुमा कुरैशी के दिमाग से खेलती है और उसके पति को भी मार देती है, और आखिर में एक गलती के चलते अवंतिका पकड़ी जाती है। ये सीजन 1 में अच्छी तरीके से दिखाया गया है, परंतु सीजन 2 की बात करें तो एक्टिंग तो बढ़िया है सभी की, पर राइटिंग में मैच्योरिटी नहीं दिखती। अब रिहा यानी कि अवंतिका जेल से छूट गई है और वो अब ट्रस्टी है उस कॉलेज की, पर फिर भी जूही यानी कि हुमा कुरैशी को बर्बाद करना चाहती है। सीजन 2 में हुमा कुरैशी एक किताब लिखती है जिसकी बिक्री अच्छी हो रही होती है, तभी नया किरदार अमित चौधरी आता है और एलिगेशन लगाता है कि ये किताब उसकी जो किताब है उसमें से कॉपी की गई है। इस प्रकार से सीजन शुरू होती है और फिर पता चलता है कि इन सब के पीछे भी हाथ होता है रिहा का। बस यही बहनों की फाइट चलती रहती है, उसके चलते जूही और रिहा के पिता आत्महत्या कर लेते हैं, फिर भी रिहा को कोई फर्क नहीं पड़ता और फाइट चलती ही रहती है। अंत में फिर से हुमा कुरैशी इस अवंतिका को हरा के भाग जाती है। बस यही कहानी का मेन पार्ट है। बाकी सीजन 2 में हम कई चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाते, ना ही हम रिहा या किसी और किरदार के इमोशन से जुड़ पाते हैं। बस दो बिल्लियों की लड़ाई हो रही है बिना किसी बिग रीजन के, ऐसा फील होता है। बाकी एक्टिंग सभी ने अच्छी की है, पर एग्जीक्यूशन ठीक से हो नहीं पाए। मैं इस मिथ्या सीजन 2 के बारे में यही कहूंगा कि अगर आपके पास फ्री टाइम है या पहली सीजन देखकर अवंतिका के फैन हो गए हो या ऑलरेडी हुमा कुरैशी के फैन हो तो देख लेना, बाकी कुछ खास मिस नहीं करेंगे। यही था मेरा मिथ्या सीजन 1 और 2 का रिव्यू। बाकी आपने अगर देख ली है ये दोनों सीजन तो मुझे कमेंट करके बताए कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। बाकी अब मिलेंगे भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के रिव्यू में। ऐसे ही चलते चलते जय हिंद, वंदे मातरम।